हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ एंड यू हियर, आई एम आरना सिंह, एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में यार मेरे को स्पेसिफिकली नीट 2021 एस्पिरेंट्स को एड्रेस करना है इस चीज़ के रिगार्डिंग कि रियलिटी चेक क्या है, आपका करेंट स्टैंड क्या है अपने प्रिपरेशन जर्नी में, ठीक है। तो इस वीडियो में यार आप एंड तक देखोगे, आपको समझ में काफ़ी चीज़ें आएंगी कि क्यों आपको अभी इसी वक्त प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है, दिमाग की बत्ती जलेगी। तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो यार पहली चीज़, एक तो पहले मैं आपको रियलिटी बता दूं कि एजुकेशन में क्या हमारा सीन है। हम एस्पिरेशन ड्रिवन नहीं होते, इनसिक्योरिटी ड्रिवन होते हैं। और यह आप मेरे से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे इस बात पर। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मेरे को भी अगर आप आज कह दो यार कि ठीक है पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, चिल मारो, ऐसे ही फ्यूचर में अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छी नौकरी लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो मैं भी ना पढ़ूँ। सबको इंसेंटिव चाहिए होता है यार, और वो इंसेंटिव ना कभी कभी इनसिक्योरिटी से ड्रिवन होता है। आपको समझ में आएगा कैसे। पहली बात तो जान लो यार, 99.99% एस्पिरेंट्स पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में। स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी की बात कर रहा हूँ, 12th की आप स्टार्टिंग में हो या 11th के स्टार्टिंग में, ठीक है। आप 12th के स्टार्टिंग में होंगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट। तो ये इतने स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड नहीं होने वाले हैं अपने प्रिपरेशन जर्नी में। बाद में पढ़ाई करते करते वो उनको इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है, अपने प्रिपरेशन में। इनसिक्योरिटी ड्रिवन क्या है यार, देखो हम लोग जब भी यार पढ़ाई नहीं कर रहे होते, टाइम वेस्ट कर रहे होते, हमारे मॉम डैड क्या कहते हैं यार, ठीक है, हमारे मॉम डैड, टीचर्स, रिलेटिव या नेबर्स क्या कहते हैं यार, निकम्बे निकलोगे, ठीक है, निठल्ले बैठे हो, कुछ काम करो, पढ़ाई करो यार, जॉब, बंगला हो गया, गाड़ी कहाँ से लाओगे, ठीक है, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रह जाओगे लाइफ लॉन्ग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना यार कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी बिल्ड करती है। हमें पढ़ाई का इंपॉर्टेंस स्टार्टिंग से ही, यू नो, आप 9th में भी रहते हो ना, तो हमारे दिमाग में इंस्टेल कर दिया जाता है। और ये इनसिक्योरिटी रहती है कि यार अगर पढ़ाई नहीं किया ना तो फ्यूचर में शायद मेरी अच्छी जॉब ना लगे, और अच्छा घर ना बना पाऊँ मैं, अच्छे कार में अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाऊँ, वो जो ड्रीम लाइफस्टाइल आप इमेजिन कर रहे होते ना, लग्जरीज इमेजिन कर रहे हो, वो ना मिल पाए। यहाँ से हमारी इनसिक्योरिटी ना हमारे अंदर सीड करती है, राइट। अब देखो यार, इनसिक्योरिटी का मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार इनसिक्योरिटी का आपने समझ लिया, रियलाइज़ कर लिया, जो कि इस वीडियो में आपको कराना चाह रहा हूँ, राइट, आपने रियलाइज़ किया, आप पढ़ाई करना शुरू करोगे, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी अगर आप पढ़ाई करते हो। हाँ, आप प्रॉस्पेरस, यू नो, फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हो पोटेंशियली अगर आप पढ़ाई करके चलते हो तो अच्छे से, राइट। अब यार जब आप पढ़ाई करना शुरू करते हो ना, रियलाइज़ करते हो धीरे 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 धीरे, आपको समझ में आता है पढ़ाई का इंपॉर्टेंस, आप अच्छा करने लगते हो, ठीक है, तो यू मेक अ डेंट, यू मेक अ मार्क, राइट। आप अपने जो फ्यूचर में ना एक डेंट और मार्क क्रिएट कर सकते हो पढ़ाई करके। और ये याद रखना यार, अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है ये डेंट या मार्क अपने फ्यूचर के लिए क्रिएट करने के लिए, राइट। आपके पास सिर्फ 32 वीक्स का टाइम है। आपको लगता है कि यार अगले साल पेपर है, क्योंकि आप नीट 2021 के एस्पिरेंट हो, राइट। पर अगले साल का मतलब 52 वीक्स होता है, जो कि एक्चुअल रियलिटी नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है इस वीडियो में। 32 वीक्स आपके पास है, आपको बोर्ड्स का भी पेपर देना है, जिसमें से आप, यू नो, 4 से 5 वीक आराम से आपके चले जाएंगे प्रिपरेशन में, क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स के लिए आपको टीचर्स बार बार पेस्टर करेंगे, बोलेंगे प्री बोर्ड दो, प्रिपेयर करके आओ, नहीं तो एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। ये मेरे साथ भी स्टोरी हो चुकी है, राइट। तो आप ये मान के चलो आपके पास नेट 28 वीक्स हाथ में रहेंगे, ओके, और मैं इसमें आपको पुश करने वाला हूँ, पर आपको मेरा साथ देना होगा, राइट। मैं आपको, यू नो, कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, पीरियडिकली आपको अपने टेलीग्राम चैनल एम्सोनियन एआरएस, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर मैं, यू नो, आपके कॉन्स्टेंट टच में रहूँगा, आपका रेगुलर मोटिवेशन देता रहूँगा। वंस यू हैव डिसाइडेड यार कि नहीं आपको कुछ मार्क या डेंट क्रिएट करना है अपने लाइफ में, यार फोड़ना है मेरे को, अच्छा करना है, इंपैक्ट करना है, ठीक है, कुछ करना है, तो आप पढ़ाई करना शुरू करोगे, आपका स्कोर इंप्रूव होगा, एंड देन आप इस रिवॉर्ड सिस्टम में एंटर करते हो। रिवॉर्ड सिस्टम क्या होगा यार आपका, कि आपने पढ़ाई की, स्कोर अच्छा आया तो आपको पॉजिटिव फीडबैक दिमाग में जाता है, डोपामिन रिलीज होता है, आपको लगता है यार हाँ अच्छा काम किया, कुछ अच्छा लग रहा है, सेटिस्फैक्शन मिली, ठीक है, पेरेंट्स भी खुश, टीचर भी खुश, आपके मेंटोर, गाइड या फिर मैं हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे सर मेरा इतना मार्क्स इंप्रूव किया तो मैं आपको हार्ट भेजूंगा, या फिर आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशनल भेजूंगा, या आपसे कुछ बात कर लूंगा, तो आपको कहीं ना कहीं से यार एक रिवॉर्ड मिलता है, राइट। पेरेंट्स आपको गिफ्ट दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल यार KVPY में मेरी रैंक जब आई थी ना 146 क्लास 11th में, जब मैंने KVPY क्रैक किया था, मेरी मॉम ने मेरे को प्रॉमिस कर रखा था कि वो मेरे को वॉच देंगी, वो वॉच मैं अभी भी रखा हूँ, वो मेरा सबसे प्राइज्ड पोजेशन था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, 6000 रुपीज़ की वो वॉच थी, ठीक है, तो वो अभी तक मेरे पास है और वो मेरे को अभी तक याद है, राइट। और उसके बाद मेरे को और पढ़ने का मन किया,
कि यार और अच्छा करते हो, उस रिवॉर्ड सिस्टम आप एंटर कर जाते हो, बस स्कोर अच्छा आता है, पॉजिटिव फीडबैक में एंटर कर जाते हो, नेगेटिव फीडबैक नहीं होगा हार्मोनल सिस्टम की तरह, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव फीडबैक होगा, राइट। तो आप और पढ़ाई करोगे, ठीक है, और अच्छा करते जाओगे। सेकेंड चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, चलो ये तो आपको रियलिटी मैंने बता दी कि ये होता है यार, ठीक है, आप अपने आप को देख लो, आपने ये इनसिक्योरिटीज़ को रियलाइज किया है कि नहीं, ये पहला रियलिटी चेक था, रियलाइज कर लिया है तो आप अपने आप को ड्राइव करना शुरू करो पढ़ाई के लिए, अच्छा स्कोर करो, रिवॉर्ड सिस्टम में आप एंटर करोगे, ठीक है, रिवॉर्डेड फील करोगे, और पढ़ाई करोगे और अच्छा स्कोर आएगा, और रिवॉर्डेड फील करोगे, पॉजिटिव साइकिल चलती रहेगी। दूसरी चीज़ क्या होती है ना यार, सिलेबस, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आप अपने आप को चेक करो कि आपका कितना सिलेबस कवर हुआ है, ठीक है, अगर सिलेबस आपने कवर कर लिया है तो आप मेरे को रिपोर्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे कि हाँ मेरा इतना सिलेबस कवर हुआ है सर। अपने आप से ट्रू रहो, ऑनेस्ट रहो, और सच्ची में बताओ कितने चैप्टर्स आपको अच्छे से कमांड में, राइट, कि आपने टाइम वेस्ट किया। दूसरा, अगर आपके पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आपको सिलेबस कंप्लीट करने की इच्छा है, वो अंदर आपके अंदर वो जज्बा है यार कि नहीं मेरे को करना है, पर आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, आप स्टडी विथ मी सेशन SWS मेरे साथ ज्वाइन करिए, नीट 2020 वाले एस्पिरेंट तो ज्वाइन करके रखे हैं, आप देखो यार इतने ढेर सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इतने ढेर सारे स्टूडेंट पोलिंग में यस कह रहे हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूं, भले रात के 2 बजे भी अगर डालूं ना यार स्टडी विथ मी सेशन का पोल, तो विद इन 30 मिनट्स 3,000 से 4,000 स्टूडेंट्स आपको दिखेंगे यस करने वाले पोल में कि मैं पढ़ना चाहता हूं। तो टेलीग्राम सेशन, टेलीग्राम चैनल में मेरे आपको ये सारा सपोर्ट मिलने वाला है, प्लस PDF एंड क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करता ही रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉन्ग विद सॉल्यूशन हर चैप्टर का, राइट। अब अगर आप कहते हो यार आपका सिलेबस हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया, तो मैं आपको कहूँगा यार क्वेश्चन पेपर लगाओ, क्वेश्चन पेपर लगाए हो कि नहीं, क्वेश्चन आपके पास नहीं है किसी भी चैप्टर का, PDF डाउनलोड करो टेलीग्राम चैनल से एंड उसको लगाओ, सॉल्यूशन से मैच करो, देखो आपका कितना स्कोर आ रहा है, और स्कोर को देखो, याद रखना यार क्वेश्चन पेपर कभी भी सॉल्व कर रहे हो स्टॉपवॉच के साथ, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आप एग्जाम भी लिमिटेड टाइम में देने वाले हो, 15 से 20 मिनट नहीं रहेगा आपके पास एक क्वेश्चन बैठ के सोचने के लिए, राइट। एक बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया पूरा, आप देख लो यार आपके पास अभी PDF है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट का, उसका 11th का पोर्शन अटेम्प्ट कर लो यार, नीट 2020 वाले एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हैं, पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप क्या करो 11th का सिर्फ अटेम्प्ट करो, ऑनेस्टली देखो उस 11th के कितने क्वेश्चन थे, कितने मार्क्स के थे, उसमें से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और उसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके देखो आपका कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है, अज्यूमिंग कि 12th में भी आपकी ऐसी परफॉर्मेंस रहेगी, तो आप ड्रीम कॉलेज के पास पहुंच पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि भाई ये तो जान लो 8680 मिनिमम आपको चाहिए होगा एम्स दिल्ली पहुंचने के लिए, अगर एम्स दिल्ली आपका टारगेट है, ठीक है, टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ द कंट्री आपका टारगेट है, 680 मिनिमम आपका स्कोर आना चाहिए। अब लास्ट चीज़ यार, लर्न फ्रॉम नीट 2020 एस्पिरेंट्स, ये याद रखो यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी जब नीट 2 बार पोस्टपोन हो चुका है, स्टूडेंट्स मेरे को कंप्लेन कर रहे हैं रिग्रेट में, गिल्ट में, रिमोर्स में, कि सर मेरा अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आप ये देखो 4 महीने का एक्स्ट्रा टाइम, 4-5 महीने का एक्स्ट्रा टाइम इनको मिला है, फिर भी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ कई स्टूडेंट का, ठीक है, जेन्युइनली नहीं कंप्लीट किया क्योंकि उन्होंने टाइम वेस्ट किया, एंजाइटी, कोविड फैक्टर्स वो सब छोड़ दो साइड में, राइट, उसके अलावा कई स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेज किया उनका टाइम वेस्ट की वजह से सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, राइट, एक्स्ट्रा टाइम मिलने पे भी, तो आपके पास ऑलरेडी 32 वीक्स है, 4 से 5 हफ्ते आपके चले जाएंगे बोर्ड प्रिपरेशन में, 28 हफ्ते आपके ऑलमोस्ट बच गए, उसमें भी यार ये याद रखो अगर आप अभी प्रिपरेशन नहीं शुरू करोगे ना यार, तो बाद में अगर आप एक्सपेक्ट करो कि 15 हफ्ते बच गए और मैं 15 हफ्ते पूरा का पूरा पढ़ाई कर लूँगा, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए, तो ये बात याद रखो यार, किसी के लिए भी टाइम वेस्ट ना इनएविटेबल होता है, इन द सेंस आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, हो ही जाता है टाइम वेस्ट, इसलिए कह रहा हूँ स्टार्ट अर्ली, अर्ली स्टार्ट करो ताकि आपके पास ना वो मार्जिन रहे यार, कि आप कहीं अगर टाइम वेस्ट हो गया, कुछ मेडिकल सिचुएशन में आप पड़ गए, कुछ इमोशनल टर्बुलेंस होता है, फैमिली इशू हो जाता है, फाइनेंशियल इशू हो जाता है आपके घर पे, आपके पास यू नो पहले से कुछ प्रिपरेशन रहे जिस पे आप रिज्यूम कर पाओ आगे, राइट, तब आप कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने प्रिपरेशन के लिए और एंड में नीट 2021 भी आप फोड़ के आओगे। सो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप हसलिंग, यही बात मेरे को आपको कन्वे करनी थी इस वीडियो के थ्रू।